so welcome back to our youtube channel design dotd and we are creating the most requested video of how to create hair motion like pixiri and illustration by sana so first go to after effect then import the file the file can be a png as well a as vector file so then open the transform option in that you will get the scale option so you can scale up and scale down the image according to the artboard so now you can close that option now we go to the puppet position pin tool so you will get this option on top of the panel so what we can do with this tool that you can add the pin points to to create a motion like if you want to move something like we want to move this here so add two points but when we are doing this you can see एक्स्ट्रा पोर्शन इज ऑल्सो मूविंग विद डैट सो हमें क्या करना है कि जब एक्स्ट्रा पॉइंट्स या एक्स्ट्रा पोर्शन मूव कर रहा है सो वट वी कैन डू वी कैन एड सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स सो so, ये एक्स्ट्रा पॉइंट हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो भी हमें हेयर के अलावा एक्स्ट्रा पोर्शन मूव हो रहा है उसके साथ उसको कहीं ना कहीं हम रोक सकें जैसे आप पेपर पे एक वेट अप्लाई करते हो हम ये पिन पॉइंट अप्लाई कर रहे हैं ताकि एक्स्ट्रा पोर्शन मूव ना हो तो हमने पॉइंट कहाँ पे अप्लाई करें हैंड पे देन well. so, वी अप्लाई दिस पॉइंट ऑन शोल्डर ऑन हेड एंड ईयर एज वेल सो नाउ वी कैन सी की हेयर के अलावा बाकी कोई भी पोर्शन मूव नहीं हो रहा पर इफ़ वी कैन सी द टॉप हेयर टॉप हेयर ऊपर की हेयर अगर हम देखें तो वहाँ पे अभी भी एक्स्ट्रा पोर्शन मूव हो रहा है सो व्हाट वी कैन डू वी कैन एट सम पॉइंट इन दैट एरिया एज वेल सो सो वी आर अप्लाइंग दिस थ्री पॉइंट्स टू स्टॉप ऑल द मोशन सो so, अब हमारे पास हेयर में तीन पॉइंट हैं वो टॉप पे देन मिडिल में एंड देन लास्ट में सो so, अगर अब हमें एनिमेशन क्रिएट करना है तो ये जो पैनल टाइमलाइन पे हमें एक कर्सर दिख रहा है उसको स्टार्टिंग में रख के कंट्रोल प्लस यू प्रेस करते हुए आपको हेयर को जैसे मूव करना है जैसे ये अंदर जैसे ये बाहर जा रहे हैं देन आप अंदर ला रहे हो तो कंट्रोल प्लस यू को प्रेस ज़रूर रखना ताकि वो एक तरीके से रिकॉर्ड हो जाए एनिमेशन पूरी सो so, हम इन पॉइंट्स को अंदर बाहर ला रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा कुछ जो पोर्शन है वो भी इसके साथ मूव हो रहा है सो व्हाट वी कैन डू कि हम उसको एक तरीके से कंट्रोल प्लस जेड करके फिर से एनिमेशन करते हैं सो so, अब हम अगर बॉटम वाले पॉइंट को बाहर मूव करें देन अंदर लाएँ और कंट्रोल प्लस यू प्रेस है इसके साथ सो इफ़ वी आर मूविंग दीज पॉइंट्स इन आउट सो अब इस तरह का कुछ एनिमेशन क्रिएट हो रहा है देन अब हमें क्या करना है कि अब हमने इस वाले पोर्शन को और थोड़ा एरिया इसमें मूव हो रहा है तो हम वहाँ पॉइंट ऐड कर रहे हैं एक सेकेंड और ये एनिमेशन हमारा थोड़ा सा खराब हो गया था दैट इज़ वाई हम उसमें थोड़े पॉइंट्स ऐड करने के बाद अब इसको इन आउट कर रहे हैं सो कंट्रोल प्लस यू के साथ जब आपने इन साइड आउट वाला मोशन करा तो वो ऊपर रिकॉर्ड हो गया अब हमारे हेयर कुछ इस तरह से मूव हो रहे हैं नाव वी विल वर्क ऑन द मिडल पोर्शन सो इसको भी आप थोड़ा सा बाहर ले जाओ अंदर इस तरह से कुछ इन साइड आउट करोगे तो कंट्रोल प्लस यू के साथ वो रिकॉर्ड हो जाएगी मोशन जो भी आप क्रिएट कर रहे हो वो मोशन रिकॉर्ड हो गई और नाव यू कैन सी की हेयर कितने अच्छे से मूव हो रहे हैं थोड़ा लास्ट का पोर्शन एक्स्ट्रा मूव हो रहा है उसको हम बाद में एडिट कर देंगे अब हम इस हेयर पोर्शन के टॉप वाले पोश पिन पर वर्क करेंगे सो सेम प्रोसेस इन साइड आउट एंड

हैंड कैसे मूव करते हैं वो वीडियोज आने वाले हैं तो अगर आप इस वीडियो को हंड्रेड लाइक दे देते हो कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा वीडियो हम नेक्स्ट लाएँ तो फिर हम उस वाले वीडियो पे वर्क करेंगे आप जिसको भी अच्छा रिस्पांस देते हो हम उस वीडियो पे रिसर्च करके वर्क करने लगते हैं सो so, आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को लाइक like करें जितना ज़्यादा आप कमेंट करते हो हमें भी उतना ज़्यादा काम करने का मन करता है सो so, ये वाला पोर्शन अब अगर हम मूव कर रहे हैं तो वी कैन सी कि दिस इज़ द प्रॉब्लम एरिया क्योंकि अगर हम मूव कर रहे हैं तो इसके साथ कौन कौन सा पोर्शन मूव हो रहा है ईयर भी मूव हो रहा है फेस की जॉ लाइन भी मूव हो रही है तो हम वहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट जॉ लाइन पे ऐड कर रहे हैं और नेक पे ऐड कर रहे हैं देन वी आर ऑल्सो एडिंग द पॉइंट ऑन द शोल्डर एंड इन द लास्ट वी विल एट द पॉइंट ऑन द ईयर ठीक है सो so, उससे क्या होगा जो एक्स्ट्रा पोर्शन मूव हो रहा है जॉ लाइन वगैरह वो मूव नहीं होगी सिर्फ हेयर मूवमेंट क्रिएट होगी और ये वाला जो टाइम लाइन पर कर्सर है इसको स्टार्टिंग में रखना अगर आप बीच में रख रहे हो या एंड में तो वो एनिमेशन उसी तरह से जैसा इसमें कुछ ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है उस तरह की एनिमेशन क्रिएट होगी तो ऑलवेज रिमेंबर कि टाइम लाइन पर कर्सर को स्टार्टिंग में रखना है सो so, अब अगर हम टॉप पे फिर से एनिमेशन करके देख रहे हैं तो ये बैंड वगैरह मूव हो रहा है तो वी विल एड दिस पॉइंट ऑन दैट बैंड एज वेल सो दीज आर द पॉइंट विच वी एडिड फॉर द एनिमेशन सो इससे जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन होगा वो मूव नहीं होगा और हम हेयर मूवमेंट क्रिएट कर पाएंगे ऑल पॉइंट नाउ वट वी कैन डू प्रेस कंट्रोल प्लस यू एंड देन आपको सेम इन साइड आउट मोशन करनी है आपको जो भी पॉइंट पे जैसा भी एनिमेशन चाहिए उस पॉइंट को होल्ड करो एंड देन उस तरह से उसको आगे पीछे करो ऊपर से वो एनिमेशन रिकॉर्ड हो जाएगी और उस तरह की एनिमेशन क्रिएट हो जाएगी सो so, हम कंट्रोल प्लस यू के साथ इस तरह से मूवमेंट करा तो इस तरह का कुछ हेयर एनिमेशन क्रिएट हुआ है इस पर थोड़ा सा करेक्शन करते हैं सो कंट्रोल प्लस यू के साथ आप इसको इन साइड आउट मूवमेंट कर सकते हो सो so, कुछ इस तरह का एनिमेशन आ रहा है सो so, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है इसका एक बार हम आपको लास्ट में पूरा दिखा देते हैं कि किस तरह का एनिमेशन और ये बहुत अच्छा लग रहा है आप अपने बहुत सारी चीज़ों पर इस तरह का वीडियो बना सकते हो सो so, अगर इस तरह के आप और वीडियो देखना चाहते हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो so मच फॉर योर टाइम